लॉकडाउन के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आम जन तक सब्जियों को पहुंचाने के लिए मंडी परिषद में सब्जी व्यवसायियों का पास बनाया गया। इस दौरान मंडी निरीक्षक ने व्यवसायियों को पास के साथ सीटी और मास्क दिया। पास बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं और सभी लोग 1 मीटर की दूरी बनाकर लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखे गए। इस दौरान मंडी निरीक्षक ने कहा कि वार्डों में जाकर डोर टू डोर सप्लाई करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने कहा, मोबाइल नंबर मास्क दिए हैं, मास्क इनको इनको दीजिए, मास्क लगाओ। और हले अम्मा दूरी बना कर रही है, सब मास्क लगा कर खड़ा हो। मास्क लगाओ सब लोग, सब लोग जिसके पास मास्क ना हो मास्क ले लो, बिना मास्क लगाए जो रहेगा मैं भगा दूंगा। ये पास लीजिए, ये मास्क लगाइए, पहले उतारिए, ये लगाइए, मास्क लगाइए सब लोग, अच्छे से लगाइए। ये सीटी, आप इस सीटी को मोहल्ले में बजाते रहेंगे, क्योंकि इस समय लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सुन के बाहर आएंगे, ठीक है? डोर टू डोर एकदम आपको बजा के देना है, ओके? जाइए, मास्क लगाइए, ये मास्क लगे रहेंगे, फोटो लगाएंगे, आप दिखाइए, ठीक है? अंकुश श्रीवास्तव, मंडी निरीक्षक हूँ मैं। तो ये प्रशासन की तरफ से ठेला वालों के लिए ये व्यवस्था की गई है, ताकि जो है ज़रूरत की आवश्यक सब्जियाँ सामान जो है वो यहाँ की जनता को डोर टू डोर दिया जा सके, कहीं एकत्र भीड़ ना लगे, ये लोग इसीलिए इनकी व्यवस्था की गई है। जी इससे ये जो है हम पूरे मोहल्ले जो है कोशिश की जा रही है कि सारे मोहल्लों में प्रति व्यक्ति इसको जो है उपलब्ध कराया जा सके सब्जियां अन्य चीज़ें।